अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एसक्यूएल डेटाबेसेस को पिछले लेक्चर में अपने कंप्लीट किया था। और सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि रोमन जेरी शो किस किस को बंदे को पसंद है, ठीक है? अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन किएगा करिएगा कि टॉम जेरी को कौन पसंद करते हैं और कौन से कार्टून इस तरह के देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है, हमने इन सबको रीड किया था पिछले अपने कोर्स में, तो यहाँ जाके अपने कमेंट लाजमी कर देना, ठीक है? आपको लाइक या अनलाइक जो भी आपको नहीं पसंद ना, तो आप इसको अनलाइक कर दें, ठीक है? आप मुझे इसको बता दें कि मुझे ये चीज़ें कमी नज़र आ रही है इसमें, तो इंशाल्लाह मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो आपकी चीज थिंक को पॉजिटिव लूंगा, ठीक है? उसके बाद जो है, हम इधर से सेट डन कर देना। अगर आप इधर से ये रीड कर रहे हो ना, तो इसको सेट डन करोगे तो यहाँ से टिक आपकी ना साथ साथ जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो साथ साथ आपकी आती रहेगी, और आपने इधर से सेट डन करते रहना, ठीक है? और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नो सीक्वल डेटाबेसेस की तरफ, ठीक है? अगर अब मैंने एक मोंगो डीबी का अपना कोर्स इसमें कंप्लीट कर दिया हुआ, ठीक है? और मोंगो डीबी तो उसमें आप इस तरह जाके कर सकते हैं कि नो सीक्वल और उस्मान गयास। आप इस तरह सर्च करेंगे ना क्रोम के ऊपर, तो सबसे पहले मोंगो डीबी का आपको इधर स्लाइड्स में नहीं मिल जाएंगे। सबसे पहले पहले लिंक पे ही क्लिक करेंगे तो आपको मेरा मोंगो डीबी का जो कोर्स है वो मिल जाएगा, तो आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें मैंने यूट्यूब वीडियोस एंड रिलेशनल इसको मैंने कंप्लीट कर चुका है, लेकिन मैं अभी तक इसको पब्लिश नहीं किया। ज़्यादातर चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं की, क्योंकि मैं इनको साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि मोंगो नो सीक्वल डेटाबेसेस होती कौन सी है। आज जो हम कवर करेंगे वह है मोंगो डीबी, अपाची काउच डीबी, जो मैंने पीछे पढ़ा के आया था आपको, ठीक है? अपाची काउच डीबी के बारे में कि हम ये नो सीक्वल डेटाबेसेस है क्यों, मतलब द ट्रांजिशन टू नो सीक्वल डेटाबेस क्यों। हमें सीक्वल डेटाबेसेस तो थी, मौजूद थी डायनेमिक वेब पेजेस में, लेकिन जो इन इन नो सीक्वल डेटाबेसेस की जरूरत क्यों पेश आई हमें। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं, तो चले शुरू करते हैं। जैसा कि मोंगो डीबी विच इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर नो सीक्वल DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन ओपन सोर्स नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नॉन रिलेशनल, अच्छा एक रिलेशनल जो हमने पढ़ी है वो सारी रिलेशनल डेटाबेसेस थी, उनमें डाटा टेबल्स की फॉर्म स्टोर होता था, लेकिन ये नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस है, ठीक है? ऐसा इनकी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन हमने एक छोटा वेब पेज बनाना है, तो वहाँ हम इतनी ज़्यादा स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। हमने बताया था ना, हम स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से हमें स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो रहा था। तो हमने एक सोचा कि नो सीक्वल डेटाबेस की तरफ मूव किया जाए। अच्छा, दी रीज़न फॉर दिस इज दैट मोंगो डीबी यूजेज डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोरेज सिस्टम, डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोरेज सिस्टम, और दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स एंड अलाउज फॉर हाई एफिशिएंट लुकअप्स। ये मेन चीज़ है जिसको आपको रीड करना है कि डेटाबेस दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर, डॉक्यूमेंट बेस्ड मैनेजमेंट जो स्टोरेज सिस्टम है, जो मैंने अपना कोर्स है ना मोंगो डीबी का, जो मैं बता रहा था कि अभी नो सीक्वल और उस्मान के आसको, इसको आप सर्च करेंगे जाके, और जब आपने इसको, अच्छा ज्वाइनिंग पे आ जाते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इधर से इसको ज्वाइन कर लिया ना, तो मैंने शायद उन चीज़ को पब्लिश कर दिया होगा। रिलेशनल डेटाबेसेस नॉन सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में मैंने इसमें भी आइडिया दिया है। मैंने बैकएंड पे काफ़ी डाटा ओपन किया होता है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा मेरा क्रोम ब्राउजर भी स्लो हो जाता है। इंशाल्लाह यूट्यूब वीडियोस के लिए अब नया लैपटॉप भी खरीदेंगे, जो कि अच्छा इतना होगा कि उसमें मल्टीपल थ्रेड्स एक टाइम पे हम ओपन कर सकें, ठीक है? तो अच्छा, देखते हैं मोंगो डीबी की तरफ। विच मेकिंग डाटा रिट्रेवल मच फास्टर एंड इजियर देन ए टिपिकल माई सीक्वल जो होती है, सीक्वल में माई सीक्वल या पोस्टग्रेस या मारिया डीबी, ठीक है, उनसे ज़्यादा फास्टर एंड इजियर होता है इसमें डाटा करना, ठीक है? इनमें जो डाटा है, ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसमें भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसको लाजमी आप रीड आउट करेंगे ना, तो आपको समझ लग जाएगी उसके बारे में जो 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 कुछ। अच्छा, इनमें मैं नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ आपको। सच इसको एग्जिट करके छोटे पे लें, और इनको आप पढ़ेंगे ना, तो आप, मैंने इधर काफ़ी डाटा लिखा हुआ है, मतलब कि नो सीक्वल डाटाबेसेस अपने गिटहब के बारे में, नो सीक्वल को क्यों यूज़ किया जाता है, या रिलेशनल डाटाबेसेस क्या है, वट एवर वट इज दिस, एंड जो सब कुछ मैंने ना इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस
और व्हाट इज मोंगोडीबी के, तो मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं इंशाल्लाह मोंगोडीबी का पूरा कोर्स प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद चलें अपने मौकफ की तरफ, दोबारा आते हैं। टू ऐड टू दिस डॉक्यूमेंट मॉडल इंश्योर्स डैट डाटा कैन बी मैप्ड डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट्स विद इन द एप्लीकेशन, ठीक है, विद इन द एप्लीकेशन वो मैप्ड कर देता है डायरेक्टली। और MongoDB को जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें डेटाबेस क्रिएट करना आसान होता है, इजी होता है, ठीक है। ऐसा चीज को रीड करें, फिर MongoDB स्टार्ट्स डाटा इन हाईली फ्लेक्सिबल मैनर्स, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अब MongoDB ट्रांजिशन, मैंने हमने पढ़ा था ना कि ट्रांजिशन टू नो SQL डेटाबेस, क्यों? क्योंकि ये डाटा फास्टर एंड फ्लेक्सिबल और ईजियर होता है इनमें डाटा को हैंडल करना। मतलब आप MongoDB जाएंगे, आप इजिली यूज न्यू डीबी, आप इस तरह जाके ना MongoDB के कोर्स में इसको चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि MongoDB में हम न्यू डेटाबेस को किस तरह क्रिएट कर देते हैं। हमने एक MongoDB की न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है, हम जाके कमांड लाइन इंटरफेस में कर देंगे न्यू, ठीक है, यूज न्यू डीबी, ठीक है। अगर और क्रिएट न्यू डीबी भी हम कर सकते हैं जिससे हम क्रिएट करना हो, और सिंपली फेयर एंड ईजी टू लर्न, इन इन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हाईलाइट कर लिया करें आप, ठीक है। जो जो पॉइंट्स हैं ना, अगर आपको समझ नहीं आते तो उनको आप हाईलाइट कर लिया करें लाजमी। और इसकी मैं ट्विटर की API अटैच कर दूंगा जल्द अज जल्द इंशाल्लाह इसके ऊपर, जिसके जरिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना तो आप इसको मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। अगर आप ब्लॉग स्टार्ट ये सच, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो हो जाता है तो उसके लिए माजरत है। बाकी मैं इस पर दिखा देता हूँ कि ट्वीट, अगर कोई भी क्वेश्चन है ना आपका तो आप सिंपल जाके ना, अगर एक वेब डेवलपमेंट का ये कोर्स ले लें, ठीक है, तो इधर जाके आपका एक क्वेश्चन ना मैं ट्विटर API अटैच कर दूंगा, और ठीक है, मतलब कि इस तरह आएगा ना तो साथ ही वो कमेंट वाला ऑप्शन भी दे देगा, और वो साथ ही ये ट्विटर का भी दे देगा कि मैंने ये क्वेश्चन मैं ट्विटर पे जाकर कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन है मेरा, इधर से आपने एक कंटेंट उठाया और आप मुझे मेंशन कर दे ट्विटर पे जाकर, ठीक है। वो इतनी बस ट्विटर की API अटैच मिलना, क्योंकि आजकल हमारे ट्विटर साहब जो हैं वो किसी को अपनी API नहीं यूज़ करने देते, वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू है इस चीज़ का। अच्छा, अपाचे काउच डीबी, ठीक है, तो पाची है ना, इसका काउच डीबी क्या है? ऐसा सच, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का टीचर तो नहीं हूँ, मेरी कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरी भी गलत हो सकती है, अगर ऐसी हो तो उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने की बजाय आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और काउच डीबी इज एन ओपन सोर्स, ये सारे के सारे जो ओपन सोर्सेज डेटाबेस मैनेजमेंट रिलेशनल रिलेशनल या नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, सारे के सारे ओपन सोर्सेज होते हैं, ये नॉन रिलेशनल है, वो दूसरे रिलेशनल थे, ठीक है। अच्छा, डेट इम्स प्राइमरी टू प्रोवाइड ईच ऑफ एज ऑफ यूज ease of use. CouchDB combines an intuitive document storage model with a powerful query engine. With a powerful query engine है इसका जो अपाची है ना, हमारा जो डेटाबेस का कई ऐसी वेबसाइट है जो अपाची सर्वर के ऊपर रन कर रही होती है, तो ये पावरफुल तो होगा एक्चुअली, हमें उससे ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अपाची जो है ये पावरफुल तो होगा, लाजमी मस्ट है इसके बच्चे इसके बारे में। अच्छा, सच क्लिक हो गया था उस तरफ। अच्छा, तो ये पावरफुल तो होगा, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, काउच डीबी नॉट ओनली हैज अबिलिटी टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, बट इट अलाउज वेब एप्लीकेशन टू कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट दिस डाटा विदाउट हैविंग टू ऐड ट्रांसलेशनल कमांड्स, सिंस काउच डीबी सपोर्ट्स द फॉर्मेटिंग वेब एप्लीकेशन टिपिकली यूज, ठीक है। तो इसको भी आप रीड कर लें तो आपको समझ लगेगा कि ये हमने, अगर ठीक है मोंगो डीबी भी था सबसे पहले नो सिक्वल मोंगो डीबी, तो उसके बाद अपाची काउच डीबी क्यों है, क्यों क्यों आया? इसका वजह ये है कि ये पावरफुल इंजन है। कभी कोई चीज अगर नई इजाद होती है तो उसकी वजह क्या होती है कि जो पिछली चीज है वो इतनी कन्वीनियंट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, जिसकी वजह से एक नई चीज बनानी पड़ रही है, ठीक है। उस इसी तरह हम जैसे एज सच, मैंने इन रेडिस पे और अपाची काउच डीबी पे काम तो नहीं किया, मोंगो डीबी मैंने किया हुआ है, और सीक्वल माई सीक्वल और पोस्ट ग्रेस पे, तो एज सच मैं इनका आइडिया तो देख नहीं सकता, लेकिन इनके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। और लास्ट में सपोर्ट कर दीजिएगा, अगर कोई बंदा ठीक है सपोर्ट करना चाहता है तो आप जाके इधर से मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और
सच्चे मोनिटरीली सपोर्ट जो भी कर सकता है वो भी ठीक है, और बाकी है कि आप अपना अच्छे से पढ़ेंगे तो वो भी मेरी एक सपोर्ट ही है। तो सच मेरी वेबसाइट जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिव है। आप मैंने इसके लिए आपको सबको शायद बताना भूल गया, लेकिन आप इसकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उस पर ना एड्स लगाई है ना कुछ है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरी जो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन है पूरी की पूरी। और इसको अगर आप मोबाइल पे यूज करना चाहते हो तो कन्वीनियंटली आप यूज कर सकते हो इसको मोबाइल के ऊपर, और अपना रीड आउट करना हो अपना जो भी, क्योंकि कन्वीनियंट हमने यूजर्स को कन्वीनियंट देनी है। और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो आप जाके जहाँ से मेरी चैट जीपीटी की जो मैंने फ्री की अटैच करके मैंने फ्री एप्लीकेशन वो भी बना दी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से डाउनलोड मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी मेरी डाउनलोड कर सकते हो, और इसको बस सामने क्लिक करना है एंड आपकी एप्लीकेशन डाउनलोडेड। और प्रोफाइल वगैरह दे सकते हो, ठीक है, और न्यूजेस, ये न्यूज़ पे क्लिक हो गया, न्यूजेस जो मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया था, आप सबको इस चीज़ का भी आइडिया होगा। इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा और इसको एडिट करिएगा चैट जीपीटी के एप्लीकेशन को, ठीक है, कि ये है क्या। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक रेवोल्यूशन है मशीन लर्निंग में। जब हम मशीन लर्निंग के कोर्स की तरफ आएंगे ना, तो इस चीज़ को बताऊंगा कि मशीन लर्निंग में भी एक रेवोल्यूशनरी एक चीज आई है चैट जीपीटी के नाम से। तो आज के लिए इतना ही, अगर अगर आस्क करना हो सिंपल कुछ भी रिलेटेड नहीं आपका क्वेश्चन, तो आप इधर से जाकर मुझे क्वेश्चन एक न्यू पोस्ट कर सकते हो, और जो ऑलरेडी ये ट्विटर और कोड वगैरह के हैशटैग जिनको यूज करके आप पोस्ट कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह वैलिडेट करूंगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।